आकाश शाश्वत है, मोशन गति शाश्वत है। जीव मटेरियल दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है। चेतन का मूल स्वरूप, चेतन द्रव्य का मूल स्वरूप नॉलेज है, ज्ञान है। चेतना का मतलब ज्ञान, अवेयरनेस, कि हमें और इस बुक में अंदर क्या, हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, या मतलब हमें क्या, कोई भी जीवित प्राणी चाहे वो बैक्टीरिया भी क्यों ना, वो जानता है कि उसका एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस के लिए उसको आहार करना, उतना नॉलेज उसको, और कुछ हो या ना, वो नॉलेज इस किसी भी अजीब चीज में नहीं। तो जीव और अजीव में अगर कोई मेन फंडामेंटल डिफरेंस है तो नॉलेज का है, उस नॉलेज को जो है आत्मा, चेतन द्रव्य का हो गया। तो जिस पुद्गल शरीर में यानी परमाणु के बॉडी में यह नॉलेज है वो जीव है, जिसमें नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली जो है साइंस में नहीं। अब साइंटिस्ट जो है अभी तक नहीं जानते लाइफ किसे कहते हैं, डॉक्टर, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, नोबडी नोज लाइफ क्या चीज है। वो केवल लाइफ को जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म और मोशन से लिंक करते हैं, कि बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म है, आप सांस ले रहे हैं, आप जो है खाना खा रहे हो, आप जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जो बॉडीज के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स को एक्शन कर रहे हैं, तो बॉडी के जो फंक्शंस है उस फंक्शंस से जो है वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी क्या है। ऐसे फंक्शन आपके ऑटोमोबाइल में भी होते हैं, तो आपके ऑटोमोबाइल में और आप में कोई अंतर नहीं है एज फार एज साइंस इज कंसर्न। ए रोबोट इज ऑल्सो ए लिविंग क्रिएचर विद मेटालिक बॉडी, समझे नहीं। डिफरेंस क्या है कि जो रोबोट की जिसको कहते हैं ना, ए रोबोट इज ऑल्सो ए लिविंग क्रिएचर विद मेटालिक बॉडी, हम लिविंग है तार्ज्ञान, दैट इज ओनली डिफरेंस। ऐसा कोई साइंस और बताइए कि इसमें कोई सेंस है, लेकिन साइंटिस्ट जानते नहीं क्या, बिकॉज साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता है कि इंटेलिजेंस कहाँ से आता है। बॉडी में इंटेलिजेंस का सोर्स नहीं, ब्रेन जो है इंटेलिजेंस का सोर्स नहीं है, ब्रेन जो है कंप्यूटर हार्डवेयर है। कि जैसा ये कंप्यूटर हार्डवेयर है या टीवी है, कि एक वो सिस्टम है कि उसको ऑन कर दो तो जो इस हवा में जो इंफॉर्मेशन है, इस समय अगर मोदी मैं बोल रहा है, मोदी कुछ बोल रहा है, उसका भाषण आपको सुनना है, आम तौर पर उसको सुनकर वो स्पेस में है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऑडिबल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो उसको कर लो, वो कोई प्रोड्यूस नहीं करता कोई इंफॉर्मेशन, या टीवी या कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज क्रिएट नहीं करता है, केवल ये ट्रांसफॉर्म करता है जो आरोपी अमृत रूप में है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये उस कन्वर्ट करता है। उसी तरह से ब्रेन जैसा ये एयर है, अब आप देखिए हमारा ज्ञान केवल 5 इंद्रियों से, आज ये सिंपल सी चीज़ है, आकाश है, 5 इंद्रिय क्या काम करेगी, आँखें देखती है, नाक है सुनता है, जीभ है टेस्ट लेता है, स्पर्श है स्पर्श करता है, इन्हीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अब ये आकाश है, इस कमरे में आकाश है, आप हम सब जानते हैं ये आकाश है, किसके आकाश पर है, क्या इस पर टेस्ट है, क्या इसमें कुछ गंध है, कैसे हमें पता चला कि आकाश है, और इस आकाश का हम ये भी कह सकते कि आपको मेरे बीच में आकाश है, और मुझे जो एक मीटर का कैसे कौन सा इंद्रिय काम कर रहे हैं, है नहीं समझ नहीं आप, कोई इंद्रिय बता सकती है कि आकाश के हाल आए, आकाश कहाँ से, कहाँ से आप कैसे समझ रहे हैं कि आकाश आपका, तो ये हम कहाँ से नाप रहे, केवल मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ, बीच में जो खाली जगह भी कहते हैं आकाश। तो इट इज़ विथ रेफरेंस टू स्पेस, मतलब विथ रेफरेंस टू यू एंड मी, अगर हम नहीं हैं खुले मैदान में जाओ, आकाश को आप नहीं नाप सकते, न परसीव कर सकते। तो
परसेप्शन है, इसी को जो है आत्मा कहा गया। कंप्यूटर के लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसके अंदर आप डाटा फीड कर दीजिए, वो हम किसी काम का नहीं है अनलेस देयर इज अ सॉफ्टवेयर इन दिस थिंग जो उस डाटा को नॉलेज में कन्वर्ट। इसी तरह से ब्रेन जो है कंप्यूटर है, हमारे नर्वस सिस्टम बाकी के सारे जो है इनपुट आउटपुट जो है टर्मिनल्स है कि आप जैसे डाटा इसके अंदर आप डाटा फीड कर रहे हो इस बोर्ड से, उस तरह से हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है नर्वस सिस्टम है वो जो है कंप्यूटर को फीड कर फिर को ब्रेन को जो फीड करो जो भी डाटा हाँ आंखों ने देखा कल हाँ भूला के कलर देखा बस इस कलर के इंफॉर्मेशन भेज दी। कलर का नंबर नहीं मैं कलर नहीं भेजा, इस कलर का एक सिग्नल आता है हर एक होता है वो सिग्नल भेज देते हैं। तो ऐसे जब मैं इस दीवार को देख रहा हूँ तो साथ में मुझे सब कुछ दिख रहा है, मेरे ब्रेन में जो है इस तरह से एक्सपेक्ट हो जाए कि ये सारा सिग्नल मत है पूरा, इसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं तो अगर मुझे सिर्फ दीवार का ध्यान देना तो इसके जो सिग्नल है इसको फिल्टर आउट होने चाहिए। एंड आई शुड सी ओनली दिस, इफ आई कैन सी ओनली दिस आई कैन कॉन्सेंट्रेट, इफ आई कैन नॉट आई कैन सी दिस टू, लेकिन अगर ये प्रोमिनेंट है तो भी आई कॉन्सेंट्रेट, और अगर दोनों इक्वल है तो फजी है नहीं। तो आत्मा का यही काम यही है। तो भगवान महावीर ने यही बताया कि बेसिक रूप से महावीर ने यही विशेषता भारतीय धर्मों की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा भारत में धर्म नहीं है, भारत में रिलीजन नहीं है, रिलीजन इज नॉट एन इंडियन वर्ड, न उसका इक्विवेलेंट कोई शब्द हमारे यहाँ। रिलीजन जो है फॉरेन वर्ड है, अंग्रेजों का वर्ड है, और रिलीजन का अर्थ होता है केवल फेथ श्रद्धा। तो श्रद्धा के ऊपर आधारित और उनकी कोई फिलासफी नहीं है, जितने भी हिंदुस्तान के धर्म हैं उनकी अपनी फिलासफी है, चाहे वो फिलासफी साइंटिफिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो गणित के सारे हो, चाहे वो एनालिटिकल किसी भी तरह की हो, बस हमारी एक फिलासफी है, हमारे धर्म फिलासफी पे आधारित है। इसीलिए हम हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म कहते हैं, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है, उनके कोई फिलासफीज नहीं है। ये तीन ही धर्म ऐसे हैं दुनिया में जिनकी कोई फिलासफी नहीं, केवल तीन जो है डेजर्ट के अंदर पैदा हुए, कहने लगे हम तो ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर ने हमको कहा है कि आपको ये जो है संदेश दो, उन्होंने कमांड्स दिए। सो ऑल द थ्री रिलीजन दे फॉलो कमांड्स। आपका टेन कमांड उसने सुना होगा, आपने सुना होगा वो जो टेबलेट्स दिए थे हाँ। तो वो तीनों धर्म जो है कमांड्स के ऊपर है, ईश्वर ने उनको कमांड दिया कि इसका पालन करो। हमारे यहाँ कमांड नहीं है, हमारे यहाँ किसी ने कहा महावीर ने नहीं कहा मेरा वो मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो, न बुद्ध ने कहा न शंकराचार्य किसी ने भी लिखा, कोई नहीं हमारे यहाँ ये कहने वाला कि मैं धर्मगुरु हूँ या मैं ये हूँ सर। लेकिन हमको जो लगता है आपने जो अभी बात कही कि महावीर ने जो बात कही कहीं ना कहीं भारतीय मीमांसा में पहले से सन्निहित, भले ही महावीर के जो पहले के लोग हुए जैसे गीता में भी आपने जो कही बात की दो विमो पुरुषौ लोके सृष्टाक्षर एव च सदा सर्वाणि भूतानि पुटस्थोक्षर उच्यते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 100% सही है। फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म इज द सेम, जो नींव है तीनों की एक ही है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है उनमें थोड़ा भेद है। शायद जो आइंस्टाइन है उन्होंने भी कहा है कि बौद्धिज्म को उन्होंने माना था और बौद्धिज्म का उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन भी किया, उन्होंने लिखा बिल्कुल बौद्धिज्म इज द ओनली साइंटिफिक रिलीजन। जैसे आपको साइंस वही जो बात कर रखी है आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 20-25 साल पहले तक इवन आज भी आप फॉरेन कंट्रीज के बुक्स में फिलासफी के बुक्स में देखिए जैनिज्म रिलीजन नहीं है, उनको जैनिज्म को उन्होंने हिंदू का पार्ट माना है, जैनिज्म को हिंदू का पार्ट माना है।
यहाँ तक कि भारतीय भी जो है